हेलो फ्रेंड्स, मैं स्टडी 91 चैनल से नितिन गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और ये वाली जो सीरीज चल रही मॉर्निंग में बहुत ही बेहतरीन सीरीज है, और पिछली डेट में मैं सीरीज अपलोड नहीं कर पाया था, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। बट मैंने शाम के टाइम आपको ये वाली सीरीज कंटिन्यू कर दिया था, इसके लिए मैं अपना क्षमा वापस भी मांगता हूँ। चलिए ऐसा कुछ नहीं है, तो मन लगा कि सीरीज आप लोग देखिएगा। और आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं दोस्तों 7वां अध्याय, ठीक है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सीरीज है। और क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स सभी के सेगमेंट को देखते थे। पहले हम लोग 4 विषय और इंक्लूड करके चलते थे, जैसे स्पोर्ट्स हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, और इसके अलावा साइंस हो गया और कंप्यूटर हो गया। बट इधर 2-3 दिनों से मैं इस टॉपिक को अलग बनाना चाहता हूं, तो आज ही इस टॉपिक को मैंने अलग कर दिया, ठीक है। आज हम लोग ये 4 करेंगे, और इस 4 में जो है लेबल को थोड़ा सा मैं बढ़ाऊंगा और क्वेश्चनों की संख्या थोड़ा सा इंक्रीज मैंने करवा दिया हूं। तो आइए पढ़ाई करते हैं 7वां अध्याय। इसके पीछे 6 अध्याय आपको पढ़ाए जा चुके हैं, ये 7वां अध्याय की प्रैक्टिस है। दोस्तों प्रैक्टिस बहुत मस्त है, क्योंकि कितनी अच्छी आपकी तैयारी है ये डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस के ऊपर। और मेरी आदत तो आप जानते हैं, ठीक है, क्वेश्चन को तोड़ने मरोड़ने की। तो पहला क्वेश्चन है कि खजुराहो के मंदिर कहाँ पर स्थित है, आपको बताना है। तो याद रखिए यह है मध्य प्रदेश में, और खजुराहो के मंदिर बनवाए गए थे किस शासकों के द्वारा, चंदेल शासकों ने इन्हें बनवाया था, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया है, हालांकि अब नहीं आने वाला है क्योंकि बहुत पुराना क्वेश्चन हो गया है। आगे हवा महल कहाँ पर है, तो जयपुर में है, ठीक है। हवा महल ये जयपुर में स्थित है, जयपुर को पिंक सिटी भी कहा जाता है, और जयपुर जो है राजस्थान की राजधानी भी है। आगे है बड़ा इमामबाड़ा कहाँ पर स्थित है, तो बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा ये सब जो लखनऊ में स्थित है, ठीक है, लखनऊ। आगे है चेतक घोड़ा किससे संबंधित था, ये राणा प्रताप का फेमस घोड़ा था चेतक, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं यहाँ करना चाहूँगा, राणा प्रताप जी की हाथी का नाम क्या था, जो इनकी प्रिय हाथी थी, तो उसका नाम था राम प्रसाद। क्या नाम था, हाँ, आपसे चेतक वाला क्वेश्चन नहीं पूछ सकता, लेकिन हाथी वाला क्वेश्चन जरूर पूछ सकता है, राम प्रसाद नाम था। आगे है बीजगणित के क्षेत्र में अपने विशेष योगदान के लिए किसे जाना जाता है, तो ये मिस्टेक मत देखो, ठीक है, बीजागणित लिखा है, ये मिस प्रिंट है, ठीक है। मिस प्रिंट क्या है कि वो टाइपिंग वाला जो है, मैं उसको बार बार समझाता हूँ, या सही ढंग से टाइपिंग करो, बट गड़बड़ी हो जाता है, ऐसे पढ़ाते समय मिल भी जाता है, हाँ, और मुझे करेक्शन भी नहीं कराना पड़ता है, तो जब मिल जाता है तो मुझे याद रहता है कहाँ पर क्या क्या गड़बड़ियाँ हैं, मैं उसको बता देता हूँ। तो बीजगणित के क्षेत्र में अपने विशेष योगदान के लिए किसको जाना जाता है, तो भास्कराचार्य को, भास्कर जी को, ठीक है। आगे सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है, तो वीणा है, माँ सरस्वती बजाती थी, या तो आपको पता होगा। और बाकी अगर हम इसके पीछे देखें तो गौरी ने भी वीणा बजाते हुए अपने चित्र को अपने सिक्कों पर अंकित कराया है। इसके अलावा समुद्रगुप्त उससे भी पहले थे, ठीक है, उन्होंने भी कराया था, तो याद रखिएगा, औरंगजेब ने भी कराया था, तो ये सारा चीज़ आप याद रखिएगा, वीणा, ठीक है। और आगे है, हालांकि जो उनका वाला है, गौरी वाला है, उसमें लक्ष्मी की आकृति वाला सिक्का बड़ा फेमस था, ये वीणा नहीं, सॉरी, वीणा वाला नहीं, ठीक है, वीणा आपका समुद्रगुप्त मेन था, और इधर आपका औरंगजेब मेन था, ये दो लोग थे। आगे किस वृहत मंदिर की आरंभिक कल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के राज्यकाल में हुआ था, अंकोर वाट का मंदिर था। दोस्तों ये क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है, आज भी विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है, और अंकोर वाट, ठीक है। और ये है कहाँ पर, तो कंबोडिया देश है, नाम देखा होगा, सुना होगा आपने, कंबोडिया, ठीक है। भारत से आगे जाएंगे म्यांमार पड़ेगा, वर्मा जिसको बोलते थे, और उसके आगे जाएंगे तो थाईलैंड, कंबोडिया, ठीक है, वहीं पर है। तो याद रखिए यहाँ पर अंकोर वाट का मंदिर है, सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनवाया था। आगे है अमरावती बौद्ध स्तूप कहाँ है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आंध्रा में है, ठीक है, आंध्र प्रदेश में अमरावती का बौद्ध स्तूप बहुत फेमस है। देखिए दो बौद्ध स्तूप जो है भारत में बहुत फेमस है, एक दो तीन है, एक अमरावती हो गया, एक आपसे पूछता है सांची का स्तूप, तो मध्य प्रदेश में है, सांची में ही है, ठीक है। एक आपसे पूछता है भरहुत का, भरहुत ये कहाँ पर, बताइए भरहुत, ठीक है, आप सोच के बताएं भरहित का स्तूप कहाँ पर है, ठीक है। और इसके अलावा एक और फेमस है दोस्तों, धमेक, धमेक स्तूप कहाँ पर है, तो ये आपके सारनाथ बनारस में है, ठीक है, जहाँ पर पहली बार उपदेश दिया था, ठीक है, किसने, गौतम बुद्ध जी ने, वहाँ धमेक स्तूप है। आगे है सलहर के युद्ध में मुगल सेना को किसने पराजित कराया था, तो शिवाजी ने हराया था सलहर के युद्ध में, ठीक है, पढ़ाया हूँ सब। आगे सलहर का युद्ध हुआ कब था, तो 1672 में लड़ा गया था सलहर का युद्ध, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे किसे रंगीला बादशाह कहा जाता था, तो मोहम्मद को रंगीला बादशाह कहा जाता था, ठीक है, क्योंकि हमेशा जो है शराब के नशे में मंत्र एकदम मस्त रहता था, और कह सकते हैं कि अयोग्य भी था, सब कुछ इसके बारे में बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उत्तरवर्ती मुगल शासक था। हाँ, शासन की बात आती, इसके शासन की जो सबसे बड़ी घटना थी वो ये थी कि 1739 में नादिर शाह ने हमला किया था, तो उस समय जो है दिल्ली का सुल्तान यही था, सम्राट यही था, ठीक है, तो 1739 में नादिर शाह का हमला, ठीक है।
आगे है भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय का मकबरा कहाँ पर स्थित है। तो रंगून में इनकी मृत्यु हुई थी क्योंकि अंग्रेजों ने इन्हें रंगून निर्वासित कर दिया था, म्यांमार में है, वहीं पर इनका मकबरा बना हुआ है। 1857 की क्रांति में इनका बड़ा योगदान था, बट वहाँ से हटने के बाद अंग्रेजों ने इनको बाहर निर्वासित कर दिया। और आगे है अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया, तो कुल 8 बार हमला किया। अहमद शाह अब्दाली जो है दोस्तों ये नादिर शाह का उत्तराधिकारी था। नादिर शाह वही जो अभी मोहम्मद शाह रंगीला वाला आपको बताया हूँ 1739 में हमला किया नादिर शाह ने, तो उस समय तख्ते ताऊस उठा के ले गया, कोहिनूर भी लेके गया और भारत से बहुत सारी चीज़ें लूट करके ले गया। ठीक है, वही नादिर शाह उसी का उत्तराधिकारी था अहमद शाह अब्दाली। इसने भारत में मराठों के ऊपर हमला किया था और 1761 ठीक है 1761 में पानीपत का युद्ध लड़ा गया। ठीक है, पानीपत का कौन सा तृतीय युद्ध, पानीपत प्रथम की बात करता हूँ तो फिर से मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा फर्स्ट वाले की, तो ये हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में और पानीपत द्वितीय हुआ था अकबर और हेमू के बीच में। अब पानीपत तृतीय होता है अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में, और कुल 8 बार हमला किया था अहमद शाह अब्दाली ने। नादिर शाह ने भारत पर कब हमला किया, वही 1739 में किया। शिवाजी के समय कितना राजस्व वसूला जाता था, तो भू राजस्व का 33% मतलब हुआ 1/3 क्या होता था ये राजस्व वसूला जाता था। आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया, ये बहुत अच्छा, अगर ये क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में तो मुझे लगता है लोगों के दिमाग में बस खाली दो ही उत्तर होता है, या तो शाहजहाँ को टिक करना चाहते हैं या तो औरंगजेब को करना चाहते हैं। गलत है उत्तर, ये लोग का योगदान मोती मस्जिद में था। ध्यान दीजिए जहाँ आरा ने क्या किया था, ठीक है, ये शाहजहाँ की पुत्री थी, औरंगजेब की बहन थी, ठीक है, दारा सिको को सभी शिक्षा मंत्री, ठीक है, तो याद रखिए इसने जामा मस्जिद का निर्माण कराया था, ज से जामा ज से जहाँ आरा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर मोती मस्जिद आपसे कभी पूछे तो आगरा में जो मोती मस्जिद है उसका निर्माण करवाया था शाहजहाँ ने, आगरा वाली मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहाँ ने, और लाल किला जो दिल्ली में था वहाँ वाली मोती मस्जिद का निर्माण कराया औरंगजेब ने। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे किस सिख गुरु ने फारसी भाषा में जफरनामा लिखा था, तो 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी, इन्होंने क्या किया था, जफरनामा लिखा था फारसी भाषा में। गुरु नानक का जीवन परिचय किस सिख गुरु ने लिखा था, तो गुरु अर्जुन देव 5वें थे, ठीक है, और इनको जो है फांसी भी दे दिया करवा दिया था किसने, जहांगीर ने, तो याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्या है कि इन्होंने गुरु नानक जी का जीवन परिचय लिखवाया था। औरंगजेब के शासनकाल में बंगाल का नवाब कौन था, तो उस समय मुर्शीद कुली खां था और इसी ने जो है अपनी राजधानी को मुंगेर से मुर्शिदाबाद शिफ्ट किया था। ठीक है, ठीक है, याद रखिए मुर्शिदाबाद नगर की स्थापना भी इसने कराया था। आगे है शिवाजी की मृत्यु कब होती है, तो 12 अप्रैल 1680 को शिवाजी की मृत्यु हुई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे औरंगजेब ने बीबी का मकबरा का निर्माण कब कराया, तो 1779 में कराया था, ठीक है, बीबी का मकबरा, और यह नकल करना चाहता था ताजमहल की, इसलिए इसकी इस मकबरे का नाम रखा गया है ताजमहल की फूहड़ नकल, इसको भी कहा जाता है, ठीक है, बीबी का मकबरा। और औरंगजेब की पत्नी का नाम क्या था, तो उनका नाम था रबिया दुर्रानी, क्या था, रबिया दुर्रानी, ठीक है, अपनी मोहब्बत की निशानी बनाना तो चाहा बट बना नहीं पाए। और ये मकबरा है कहाँ पर, तो औरंगाबाद में है, नासिक के पास पड़ता है, महाराष्ट्र में। आगे सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ था, तो 1658 में हुआ था सामूगढ़ का युद्ध, 1658। आगे है जहांगीर की पत्नी नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था, तो मेहरुन्निसा नाम था, डबल ना रहेगा, मेहरुन्निसा, ठीक है, याद रखिएगा। और इनका एक गुट भी चलता था नूरजहां गुट, ठीक है, जो कि बड़ा कैसा था कि वहाँ पर जो उनका प्रभाव बहुत ज़्यादा था जहांगीर के ऊपर, और यहाँ तक कि जो भी दस्तावेज होते थे वहाँ पर उन दस्तावेज़ों पर जहांगीर के हस्ताक्षर के साथ साथ नूरजहाँ के भी हस्ताक्षर होते थे, साथ भी सिक्कों पर इसके फोटो बन के आती थी, तो ये सारी चीज़ें थी, तो कहीं कि इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा था। आगे हैदर अली मैसूर के शासक कब बने, तो 1761 में हैदर अली को मैसूर का शासक बनाया गया। और आगे जो है आंग्ल मैसूर युद्ध के जो द्वितीय वाला हिस्सा था, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, उसमें जो है हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। इन्हीं के पुत्र का नाम था टीपू सुल्तान, ठीक है। आगे नादिर शाह कहाँ का शासक था, तो फारस का था, ऐसे आप ईरान का भी बोल सकते हो, तो फारस बोलिए ईरान बोलिए, बात एक ही है, ठीक है। आगे है माधव राव नारायण पेशवा कब बने, तो 1761 में पेशवा बने थे, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनके समय में मराठों की हालत बहुत ज़्यादा दयनीय हो चुकी थी, क्योंकि 1761 में पानीपत तृतीय का जो युद्ध था वो हुआ था, अहमद शाह अब्दाली ने किया था और बहुत ज़्यादा लूट खसोट मचा दिया था, तो ऐसे में जो मराठे थे वो एकदम टूट चुके थे, तो उनको फिर से स्थापित करने का जो श्रेय जाता है वो माधव नारायण राव को जाता है। आगे है गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना कब किया, तो 1699 में, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की, खालसा पंथ याद रखिएगा। आगे किस गुरु ने विद्रोही मुगल राजकुमार की सहायता व धन व मन से किया था, तो गुरु अर्जुन देव ने काम किया था, ठीक है, 5वें गुरु थे, ठीक है, और इन्होंने गुरु नानक जी की जीवनी भी लिखी, और इसी वजह से जो है जहांगीर
जो था उसने उनको मरवा दिया। आगे है सैयद बंधुओं का पतन किसके समय में हुआ, तो मोहम्मद शाह रंगीला के समय में, ठीक है, सैयद बंधुओं का पतन हो गया, ठीक है, मरवा दिया गया इनको भी। आगे फर्रुखसियर किसके सहयोग से मुगल शासक बना था, तो सैयद बंधुओं के सहयोग से बना था, ठीक है, 1718 के आसपास है ये। और फर्रुखसियर, याद रखिए, इसको घृणित कायर कहा जाता था, फर्रुखसियर को क्या बोलते थे, घृणित कायर, हाँ, ठीक है। आगे है भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता था, तो वही नादिर शाह को कहा गया। हालांकि जो नेपोलियन था फ्रांस से बिलोंग करता था, बट नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहते हैं। भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं, याद रखिएगा, समुद्रगुप्त को कहते हैं, ठीक है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं, ठीक है। और ये किसने कहा था, तो विंसेंट स्मिथ ने। आगे किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे, तो अवध के शासक को नवाब का वजीर कहा जाता था, नवाब वजीर, ठीक है। आगे है आदि ग्रंथ का समायोजन किसने किया, तो गुरु अर्जुन देव ने किया था, और इसी में तो वर्णन किया है, ठीक है, गुरु नानक की सारी बातों का। तो आदि ग्रंथ का समायोजन किसने किया, अर्जुन देव जी ने। इतना क्वेश्चन रहा आपके हिस्ट्री वाले पार्ट से। अब ज्योग्राफी सेगमेंट पे चलते हैं, आइए ज्योग्राफी के क्वेश्चन भी देखते हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चन है ज्योग्राफी में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है सीरीज, पढ़ने से खुद ही आपको लग रहा होगा। आगे वायुमंडल का सर्वाधिक अस्थायी तत्व कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा अस्थायी तत्व कौन सा है, वो है जलवाष्प। क्या है, जलवाष्प, बाकी जो है आगे पीछे होता रहता है, लेकिन ये सबसे अस्थायी है, ठीक है। आगे है लोयस का पठार, ये मैं आपको पढ़ाया हूँ कहाँ पर है, तो चीन में बना हुआ है दोस्तों लोयस का पठार, और बनता किससे है, तो ये बनता है वायु से, ठीक है, यानी हवा से जो आकृति बनती है ये स्पेशली लोयस का पठार। आगे है पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर तक ऊंचाई में पाया जाता है, तो 97, क्या आप कह सकते हो 98% तक का हिस्सा, ठीक है, यह आपके 29 किलोमीटर हिस्से तक पाया जाता है। और विशेषता इसमें आपका क्षोभ मंडल आ जाता है, ठीक है, क्षोभ मंडल, उसके ऊपर का समताप मंडल का कुछ हिस्सा ये यहाँ पर आ जाता है, तो इसमें आपका 97% हिस्सा होता है। आगे है क्योंकि इसी में बादल बनना हो गया, बिजली तड़कना हो गया, गरजना हो गया, जितनी भी मौसमी प्रक्रियाएँ होती हैं सब इसी में होता है, क्षोभ मंडल। आगे है मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता, सभी की सभी मौसमी प्रक्रियाएं वो कहाँ पर होती, क्षोभ मंडल में होती, बाकी समताप मंडल बिल्कुल शांत होता है, इसलिए जो जहाज़ें होती हैं वो किस मंडल में उड़ती हैं, तो क्षोभ मंडल के ऊपर जाके समताप मंडल में उड़ती हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। आगे है सूर्य की किरणें, सूर्य की तीव्र किरणों द्वारा झुलसने से वायुमंडल की कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है, तो ओजोन गैस, ठीक है, ओजोन परत जो है यही हमारी रक्षा करती है, क्योंकि वह सूर्य से आने वाली जो है पराबैंगनी किरणों को, अल्ट्रा वायलेट रेज को रोक देती है, ठीक है। आगे शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है, तो भूमध्य रेखा के दोनों तरफ दोस्तों शांत पेटियां पाई जाती हैं, कौन सी, शांत पेटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 0 डिग्री लाइन को भूमध्य रेखा बोलते हैं, 0 डिग्री लाइन को, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या बोलते हैं, आपकी कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहते हैं। आगे निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है, तो ज्वालामुखी को कहा जाता है प्रकृति का सुरक्षा वाल्व, क्योंकि पृथ्वी के अंदर का जो मैग्मा है जब वो ज़्यादा हीट हो जाता है, तो ऐसे में वह पहाड़ों के दरारों को तोड़ते हुए क्या हो जाता है, उनसे बाहर निकल जाता है, और उसी को बोलते हैं ज्वालामुखी, और इसको सुरक्षा वाल्व का नाम दिया जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी जो है ये कहां पर है, तो इक्वेडोर में है, और इक्वेडोर कहां पर है, आपके दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप पर है, ठीक है, इक्वेडर, कोटोपैक्सी। आगे निम्न में से कौन एक वलित पर्वत है, तो हमारा हिमालय उठा के देख लो, ये वलित पर्वत है, बाकी आपका जो है अरावली हो गया, ये सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है भारत की, ठीक है, चलिए आगे देखिए। अच्छा, बाकी आपको पता होगा नीलगिरी ये तमिलनाडु के पास है, ठीक है, जहाँ पूर्वी और पश्चिमी घाट आपस मिलते हैं यहीं पर नीलगिरी है, ठीक है, और सतपुड़ा रेंज भी आपको पता होगा महाराष्ट्र के पास, ओके। आगे देखते हैं, कह रहा है पठारी क्षेत्रों में विश्व में कितनी प्रतिशत जनसंख्या रहती है, तो पठारी क्षेत्रों में, मैदानी क्षेत्रों नहीं बात कर रहा, पठारी में बात कर रहा है, ठीक है, तो इसमें 9%, लगभग 10% मान लो, 10% जनसंख्या आज भी कहाँ निवास करती है, पठारी क्षेत्रों में। भूकंप में धरातली तरंगे कैसी होती हैं, तो यल तरंगे होती, लव तरंगे सबसे खतरनाक तरंगे होती हैं, ठीक है, ये भूकंप में जो धराती तंगने होती है। आगे है नवीनतम पर्वतमाला कौन सी है, इसमें जो दे रहा है, तो देखिए अप्लेसियन हो गया, सतपुड़ा हो गया, यूराल हो गया, रॉकीज हो गया, इसमें से यूराल पर्वत जो दोस्तों ये सबसे नवीन वलित पर्वत है, इसके जगह पे अगर हिमालय भी दे देता तो वो भी नवीन में आ जाता, बाकी सतपुड़ा, अप्लेसियन, रॉकीज, और आपका हो गया अरावली, और आपका हो गया एंडीज, ये सब जो है सबसे पुराने पर्वतों में इनकी गिनती होती हैं।
ठीक है। आगे हिमालय की उत्पत्ति किस भू सन्नति से हुई है, तो बताइए टेथिस सागर के मलबे से ही दबाव बनने के कारण ये उत्पत्ति हुई है। यह आपको मैं कल ही की वीडियो में पढ़ाया था, तो टेथिस याद रखिएगा, टेथिस सागर। आगे है विसुवियस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है, तो ये भी आपको पढ़ाया हूँ, बाई मैप पढ़ाया हूँ आपको, इटली में है दोस्तों विसुवियस। पढ़ाया था ना ज्योग्राफी की टू द पॉइंट सीरीज चल रही है, जो लोग टू द पॉइंट सीरीज को नहीं देख रहे हैं जान लीजिए बहुत बड़ा मिस्टेक कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका पकड़ हमारे साथ जो है हिस्ट्री पर बहुत मजबूत हो चुका है। पॉलिटी भी काफ़ी हद तक आप सही कर ले जाते हो, बचे खुचे चीज़ को मैं मजबूत कर रहा हूँ। और रही बात जियोग्राफी की, तो जियोग्राफी पर आपको पूरा फोकस देके पढ़ना है, इसी वजह से मैं टू दी पॉइंट सीरीज चला रहा था कि ऐसे पॉइंट जो वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट होते तो हैं बट आप पढ़ते नहीं हो, तो उनको आप पढ़ लीजिए, इस वजह से ये सीरीज मैं चलाया था। और अगर नहीं पढ़ोगे तो यार नुकसान आपका, मेरा काम पढ़ाना है, आपका काम पढ़ना है, ठीक है। तो इटली याद रखिएगा, अच्छा इटली। आगे बोल रहा है कि माउंट अरेबस ज्वालामुखी के निम्नलिखित में से किस महाद्वीप पर स्थित है, तो अंटार्कटिका में है, और दोस्तों बहुत बड़ा महा ज्वालामुखी ये है, ठीक है। अभी बहुत जल्दी इसकी खोज हुई थी और काफ़ी ख़तरनाक भी है, तो अंटार्कटिका, अंटार्कटिका याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी क्या शुरू में क्या होता था, लोगों को लगता था कि अंटार्कटिका पूरी तरह से बर्फ़ से ढका हुआ है, इस वजह से इसको हम जो है श्वेत महाद्वीप की संज्ञा भी देते हैं, बट वहाँ भी ज्वालामुखी है। ऐसा नहीं कि अगर ऊपर से बर्फ़ है तो क्या उसके अंदर जो है पृथ्वी का मैग्मा नहीं है, ठीक है, उसके अंदर भी बहुत खतरनाक ज्वालामुखी, और इसका नाम याद रखेगा माउंट अरेबस। आगे है वायुमंडल में सबसे अधिक ओजोन कहां पर केंद्रित है, कहां पाई जाती है, तो समताप मंडल को दोस्तों इंग्लिश में लिख दिया उठा करके, समताप मंडल को, तो स्ट्रेटोस्फीयर नाम है उसका, ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर में सबसे अधिक ओजोन गैस पाई जाती है। आगे पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से विदित है, ठीक है, तो अभी तो इसमें एक मिनट, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत, देखो ऐसे में आप बोलोगे कि सर बहिर्मंडल को कर दीजिए, हाँ बहिर्मंडल बोलिए ना आप, राइट उत्तर आपका बहिर्मंडल होगा, आयन मंडल यहाँ पे नहीं होना चाहिए, हो सकता है मिसप्रिंट हो गया हो, ठीक है। तो बहिर्मंडल हमारी सबसे आखिरी परत है। आगे दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस परत से परावर्तित होती हैं, तो आयन मंडल से ही परावर्तित होती है, क्योंकि यहाँ पर जो है पॉजिटिव आयन होते हैं, और ये जो होते हैं ये रेडियो वेव्स को परावर्तित कर देते हैं, बाहर नहीं जाने देते, वहीं से वापस आ जाती हैं। संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय स्तर में स्थापित किए जाते हैं, तो ये सब पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर की ऊँचाई पर जो स्थापित किए जाते हैं जितने भी सेटेलाइट होती हैं, तो फिलहाल आयन मंडल को और कुछ को उठा के हम जो है बहिर्मंडल में भी रखते हैं। आगे वायुमंडल के किस भाग में जलवाष्प की कुल मात्रा का 90% भाग विद्यमान रहता है, तो जितनी भी मौसमी क्रियाएं हैं मैंने पहले बता दिया वो आपके क्षोभ मंडल में होती हैं, ठीक है, तो यहीं आपको अंदाज लग जाएगा। बाकी सामान्य वायुदाब पाया जाता है कहां पर, तो ये आपके सागर तल पर पाया जाता है सामान्य वायुदाब, ठीक है, सागर तल पर सामान्य वायुदाब। बाकी आपका अगर रेगिस्तान होगा, पर्वत है, तो इन सब पे तो डिफरेंस होता रहेगा ना। आगे वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग है, किसका, रसायन मंडल का भाग, अच्छा अच्छा हाँ ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो रसायन मंडल का भाग ये पूछ रहा है ना, ओजोन जो होता है, ओजोन को स्पेशली हम लोग रसायन मंडल के भाग में बोलते हैं, ठीक है, और नॉर्मली तो ये किसके अंदर पाया जाता है, तो ये समताप मंडल के हिस्से होते हैं, समताप मंडल वाली परत में ही ओजोन मंडल होता है, ठीक है, इसका ध्यान दीजिएगा, बट अलग से इसका एक नाम पर रख दिया गया है रसायन मंडल, क्योंकि ओजोन का एक तरह की गैस है, ठीक है। आगे है दोस्तों उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने, और नहीं होता है और होता है, ठीक है, देखो मिसप्रिंट है, तो उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें क्या होती हैं, तो यही तो होती है व्यापारिक पवनें, जिसको हम ट्रेड विंड्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रेड विंड्स, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसकी सहायता से काफ़ी सारा व्यापार भी होता है, ठीक है। कैसे होता है, जब ट्रेड विंड्स चलती हैं तो उनकी सहायता से जहाज़ों को चलाया जाता है, ताकि जहाज़ों को कम प्रेशर लगे और जल्दी जल्दी जहाज जो है अपने मार्ग को पूरा कर पाए, तो भूमध्य सागर से उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलती हैं व्यापारिक पवनें। आगे हवाई जहाज प्रायः किसमें उड़ते हैं, तो यहाँ पर कोई भी मौसमी प्रक्रियाएं नहीं होती, वहीं पर उड़ते हैं, कौन सा, क्या हो गया यार, ठीक है, तो आपका हो जाएगा समताप मंडल में उड़ते हैं, ठीक है, समताप मंडल में, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है सब कुछ मेंटेन होता है, कोई भी मौसमी क्रियाएं नहीं होनी, तो कोई दिक्कत भी नहीं होती है। आगे वायुमंडल की सबसे निचली परत का नाम क्या है, तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, सबसे निचली परत है क्षोभ मंडल, उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है समताप मंडल, ठीक है, तब उसके ऊपर जाओगे तो मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। चक्रवात की आकृति इनमें से किस प्रकार की होती है, तो याद रखो चक्रवात हमेशा गोलाकार होता है, देखो या तो ऐसे चक्रवात हो सकता है एक चक्रवात, या तो ऐसा चक्रवात हो सकता है, दो चक्रवात होते हैं, तो चक्रवात का वीडियो
मैं बहुत जल्दी बना के दूंगा आपको, ठीक है, देख लीजिएगा। बाकी ये चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहा जाता है, तो उसको चक्षु कहते हैं, चक्रवात की आँख बोला जाता है। एक्चुअली में उसको चक्रवात की आँख बोला जाता है, और आँख का पर्यायवाची चक्षु होता है। तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको ज़्यादा दिमाग खर्च करना है, चक्षु, ठीक है। आगे है, यहाँ पर जो है चक्रवात का कोई भी असर नहीं पड़ता। रेशेदार दिखाई देने वाले मेघ को क्या कहते हैं, तो पच्छाब मेघ कहा जाता है। जो रेशेदार मेघ दिखाई देते हैं उनका स्पेशली नाम क्या है, पच्छाब मेघ। आगे, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, तो पहले चेरापूंजी हुआ करता था, अभी ये मासिन नाम है, और अभी हाल ही में डेटा फिर से परिवर्तित हुआ है, तो एक और नया नाम आया है, आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। बाकी आपका है, विश्व का सर्वाधिक शुष्क स्थल कौन सा है, तो ये बताना आपको, तो अटाकामा जो मरुस्थल है दोस्तों चिली में, इसको जो है विश्व का सर्वाधिक शुष्क स्थल घोषित किया गया, चिली के पास पड़ता है अटाकामा, ठीक है, चिली अटाकामा, ठीक है। और कहाँ पर है चिली, तो ये भी आपको बताना पड़ेगा, क्या चिली आपका कहाँ पर है बताइए, चिली आपका कहाँ पर है, चिली, चिली दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पर है, ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है, तो आपके उत्तरी अमेरिका में है, ठीक है, और यूएसए में पड़ता है सुपीरियर झील। कौन सी मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, सुपीरियर झील, बैकाल झील तो यार ठीक है, उसमें बैकाल, वैसे भी सबसे गहरी झील बोला जाता है बैकाल को, ठीक है। और विक्टोरिया झील, इस झील से जो है कौन सी नदी निकलती है, नील नदी निकलती है। मिशिगन भी आपकी है, अमेरिका में ही है, सुपीरियर के बगल में, बट ये नहीं उत्तर है। आगे, किस वायुमंडलीय परत को मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से जाना जाता है, पहले ही बता दिया हूँ कि समस्त मौसमी प्रक्रियाएँ कहाँ होती हैं, आपके क्षोभ मंडल में होती हैं, तो बिना किसी हेजिटेशन के आपको ये जवाब देना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है, तो बैकाल, अभी पीछे नाम को आपको बताया हूँ, बैकाल झील जो है ये सबसे गहरी झील है, हाँ। और टीटिकाया ये सबसे ऊंची नौकायन झील है, जहाँ पर नौकायन होता है। मिशिगन आपके अमेरिका के, बैकाल गहरी हो गया, विक्टोरिया से नील नदी निकलती है अफ्रीका में। आगे, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो एंजेल जलप्रपात है, कोरोनी नदी पर बना हुआ है, कोरोनी नदी पर, और कहाँ पर है, तो वेनेजुएला में है, वेनेजुएला में, ठीक है, सब याद रखिए। करा नियाग्रा जलप्रपात कहाँ पर है, तो ये यूएसए में पड़ता है, अमेरिका में, ठीक है, और यह कनाडा के साथ सीमा भी बनाता है, ये भी याद रखिए, ठीक है, नियाग्रा जलप्रपात। तो इतना ही क्वेश्चन था दोस्तों आपकी ज्योग्राफी से, अभी कुछ क्वेश्चन हम लोग जो है पॉलिटी से देखते हैं, लेकिन आज का पॉलिटी कल की तरह बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है। और आज मैं पॉलिटी में जो लेबल है वो एकदम टफ रखने वाला हूँ, हो सकता है आप लोगों को कुछ समय के लिए समझ में ना आए कि सर ये आप क्या बता रहे हो, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं देखो होता क्या था, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि पॉलिटी में बहुत जल्दी आने वाले एक दो सालों में वो अपने सिलेबस को चेंज करेंगे, पूछने के तरीके को चेंज करेंगे, क्योंकि अब क्वेश्चन बचा नहीं रह गया है, लड़के तो मदद डालें, तो इसमें थोड़ा सा अलग आपको पढ़ना है। तो याद रखिए सातवीं सीरीज है। अच्छा दोस्तों प्लीज़ एक काम ज़रूर करिएगा, अगर कोई भी एडवर्टीजमेंट आता है ना उसको आप पूरा देखिएगा, उसको आप स्किप मत करिएगा प्लीज़ मेरे भाई। देखिए यार, आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ, क्योंकि आपको मैं अपना भाई समझता हूँ, आपके साथ अपनी प्रॉब्लम भी शेयर करना चाहता हूँ, तो अगर आप लोग थोड़ा सा एडवर्टीजमेंट देखेंगे ना तो थोड़ा सा मेरा फ़ायदा हो जाएगा, और मेरा फ़ायदा हो जाएगा तो पक्का प्रॉमिस कर रहा हूँ उससे आप ही का फ़ायदा होना है, ठीक है। आइए क्वेश्चन करते हैं। पहला दे रहा कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की धारा 37, ठीक है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की धारा 37 के अधीन वन्य क्षेत्र की घोषणा कौन करता है, कौन बताता है कि कौन सा क्षेत्र जो है वन्य क्षेत्र है, तो इसका डिसीजन लेती है राज्य सरकार, कौन लेती है, राज्य सरकार बताती है कि कौन सा वन्य क्षेत्र है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे है, किस केंद्रशासित प्रदेश की जनजाति को वन्य संरक्षण अधिनियम 1972 में जो आया था इसके अनुसार आखेट करना यानी शिकार करना का अधिकार दिया गया है, तो वैसे पूरे भारत में तो प्रतिबंधित है, बट एक केंद्रशासित प्रदेश जहाँ पर आखेट का अधिकार भी है ऐसा लिखा है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो लोग हैं उनके साथ ऐसा जो है दिया गया पावर। आगे, भारत के किस राज्य में वन्य जीव संरक्षण नियम 1972 लागू नहीं होता है, तो जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में वैसे बहुत सारी चीजें लागू नहीं होती है, ठीक है, 1972 याद रखिएगा। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, इतने बार 1972 आ जाएगा एकदम रट जाएगा आपको। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत मुख्य वन्य जीव अभिरक्षक और अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है, तो धारा 4 के अंतर्गत जो दोस्तों क्या है, अभिरक्षक और अन्य अधिकारियों की नियुक्ति होती है, पर्यावरण अधिनियम की धारा 25, यह अलग दे दिया, पर्यावरण अधिनियम की धारा 25 के अनुसार नियम बनाने की शक्ति का अधिकार किसको है, तो नियम, पर्यावरण संबंधी नियम कौन बना सकता है, केंद्र सरकार बनाएगी, और वन्य क्षेत्र कौन घोषित करता है, तो राज्य सरकार। पर्यावरण प्रयोगशालाओं को स्थापित करने का दायित्व तो किसका है, तो पर्यावरण संबंधित कोई नियम कानून बनाना हो, कोई भी एक्सपेरिमेंट करना हो, प्रयोगशाला बनाना हो, ये सब काम केंद्र सरकार का है। केंद्र सरकार की पर्यावरण के संरक्षण और उसमें सुधार के लिए उपाय करने की शक्तियों का वर्णन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की किस धारा में दिया गया, तो धारा 3 में दिया गया है,
ठीक है, किस तरह से उसको जो है संरक्षण करना है, कैसे उसमें सुधार करना है। सरकारी विभागों द्वारा अपराध किए जाने पर दंड का प्रावधान पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में जो आया था, ठीक है, उसकी किस धारा में दिया गया है, तो ये धारा 17 में जो है, 1986 वाली की धारा 17 में इस दंड के प्रावधान को बताया गया है। परिवहन वाहन नियंत्रण परमिट कितने समय के लिए वैध होता है, तो आप जो कुछ भी गाड़ी परिवहन में लगाते हो तो उसकी जो परमिट होती है वो 5 साल के लिए वैध होती है, उसके बाद आपको फिर से रिन्यूअल कराना पड़ेगा। आगे बाईं तरफ से आने वाले वाहनों को सूचित करने के लिए एक पुलिसकर्मी को वह दाया हाथ ऊपर करके बाएं हाथ की उंगलियां सिर की तरफ हिलाता है वापस जाने के लिए, तो ये सभी आपको पता होगा। आगे है एक राज्य से दूसरे राज्य में कितनी अवधि के अंदर का पंजीकरण ट्रांसफ़र कराना आवश्यक है, तो 1 साल के अंदर, 12 माह या 1 साल की बातें की है, तो एक राज्य से दूसरे राज्य में ये 12 माह के अंदर आपको पंजीकरण ट्रांसफ़र कराना आवश्यक होता है, ठीक है। पंजीकरण किसका, अरे गाड़ियों की बात कर रहा है, जैसे आपने मान लीजिए कोई गाड़ी खरीदा दिल्ली से, ठीक है, दिल्ली का नंबर प्लेट लगा और आप उसको लेके आ गए यूपी में, तो ऐसे में जो है कितने दिन का आपको मोहलत दिया जाएगा, तो 1 साल का मोहलत दिया जाएगा, 1 साल के अंदर आप जो है ट्रांसफ़र अपने नाम पर करा लीजिएगा, अदरवाइज जो है फिर जुर्माना लगेगा और फिर दिक्कत हो जाएगी। आगे मोटर वाहन अधिनियम 1988 कब लागू हुआ, ठीक है, तो यह 1 जुलाई 1989 को लागू हुआ था, ठीक है, बना तो 88 में बट लागू होता है 89 में, ठीक है। आगे अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम जो कि 89 में आई थी, यह कहां पर विस्तारित है, तो जम्मू कश्मीर को छोड़ करके पूरे भारत में यह अधिनियम लागू है, कौन सी, SC ST एक्ट, ठीक है। किस व्यक्ति ने भारतीय दंड संहिता 1860 का एकदम प्रारूप होता है तैयार किया था, तो लॉर्ड बैकाले जो कि चौथे विधि सदस्य बनाए गए थे, ठीक है, उन्होंने तैयार किया था भारतीय दंड संहिता, या IPC, मैं आपको बता भी चुका हूँ। आगे है विलियम बेंटिक के समय में, याद है आपको। आगे कह रहा है राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करने का काम राज्यपाल को है, और अगर जो है भारत का देखेंगे वहाँ का मेन मानवाधिकार अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है, तो राष्ट्रपति करता है। भारत में मानवाधिकार संरक्षण नियम 1993 कब लागू हुआ, तो एक्ट बन के तैयार हो गया 93 में, और 8 जनवरी 1994 में यह अधिनियम लागू कर दिया गया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है, तो ये सारा काम राष्ट्रपति करता है, हाँ अगर राज्य वाला है तो राज्यपाल करेगा। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में आया था, इसमें कुल कितनी धाराएं एवं अध्याय हैं, तो 31 धाराएं हैं और 6 अध्याय हैं, तो RTI जिसको बोलते हो, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, ठीक है, उसमें कुल कितनी धाराएं, 2005 में आई थी। एग्जाम में पूछता भाई, आप अपना दिमाग मत लगाओ कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वही यहाँ पढ़ाया जाता है, ठीक है, तो एकदम बस खाली सुनते चलो। 31 धाराएं और 6 अध्याय के साथ ही आया था। आगे राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की किस धारा में सद्भावना, ये देखो यहाँ पे गलत लिखा थोड़ा सा, सद्भावना से की गई कार्यवाही का संरक्षण वर्णित मिलता है, तो धारा 16 में बताया गया है कि अगर आपने सद्भावना के तहत कोई कार्यवाही किया है तो वो आप उससे बचाव ले सकते हो। आगे है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 जो आया था, ठीक है, इसमें वर्णित कुल कितनी धारा है, इनकी कुल संख्या कितनी है, तो कुल 18 धाराओं का वर्णन है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है, तो दिल्ली में है मेन वाला, ठीक है, राज्यों का उनकी राजधानियों में होता है। हैकिंग क्या है, तो हैकिंग कंप्यूटर सिस्टम को काटना, कंप्यूटर सिस्टम काटना नहीं, आप बोल सकते हो हैकिंग में क्या होता है, अरे किसी के कंप्यूटर को हैक कर लेना, मतलब उसको अनऑथराइज तरीके से इस्तेमाल करना, यानी अनऑथराइज मतलब आप अनाधिकृत तरीके से किसी चीज़ का इस्तेमाल करना हैकिंग कहलाता है। किसी मामले में हत्या का अपराध साबित हो उसमें न्यूनतम कितनी सज़ा सुनाई जाएगी, तो आजीवन कारावास। अगर हत्या साबित हो गया है और ये पता चल गया कि कोर्ट को कि नहीं आप हत्या आप ही ने किया है, ये साबित भी हो गया, तो जो जुर्माना लगेगा वो तो लगेगा, लेकिन कारावास जो होगा ये आजीवन कारावास होगा, ठीक है, आजीवन कारा, हाँ ये होता है, पहले होता था कि 14 सालों के बाद जो है व्यक्ति को देख करके कि अगर व्यक्ति ठीक ठाक हो गया तो उसको रिहा भी कर दिया जाता था, बट अभी ये कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, और आजीवन मने आजीवन, जब तक आप मर नहीं जाओगे तब तक वहीं पड़े रहोगे। साइबर अपराधों को किस अधिनियम में वर्णित किया गया है, तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम आया था 2000 में, ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, इसमें जो है साइबर अपराधों को बताया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में आया था कि किस धारा में अधिहरण से संबंधित प्रावधान है, अधिहरण नहीं दोस्तों, अधिग्रहण होता है, ये भी गलत है, अधिग्रहण से संबंधित प्रावधान है, तो धारा 76 में दिया गया है अधिग्रहण से संबंधित प्रावधान। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, ये सब अक्सर करके SI वाले में बहुत ज़्यादा पूछता है,
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का विस्तार कहाँ पे है, तो वही जम्मू कश्मीर को छोड़कर के पूरे भारत में लागू है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत अचक्का आया था ये एक्ट, तो 1988 में आया था, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। करा है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार किसको है, तो देखो केंद्र सरकार भी कर सकती है, राज्य सरकार भी कर सकती है, वो डिपेंड करता है कि सुप्रीम कोर्ट में है या फिर हाई कोर्ट में है, ठीक है। तो राज्य सरकार करवाएगी राज्यपाल के माध्यम से, केंद्र सरकार करवाएगी राष्ट्रपति के माध्यम से। आगे बोला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत लोक कर्तव्य शब्द किस धारा में वर्णित है या परिभाषित किया गया, तो धारा 2(b) में परिभाषित किया गया। तो कब याद रखो, क से कर्तव्य, ब से जो है ब में, थल सेना, नौसेना और वायुसेना अथवा अन्य विधि का प्रभावित न होना भ्रष्टाचार नियम अधिनियम की किस धारा में वर्णित है, तो धारा 25 में जो है इसको बारे में बताया गया है। आगे राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 जो आया था उसकी धारा 2(k) में समुचित सरकार को किस रूप में परिभाषित किया गया, तो समुचित सरकार माने ही होता है दोनों को मिला दिया, यानी केंद्र और राज्य को मिला दिया जाए, तो वही समुचित है। आगे है घरेलू हिंसा में महिलाओं का संरक्षण नियम जो कि 2005 में आया था, नाम याद रखिए दोस्तों 2005, ठीक है। घरेलू हिंसा में महिलाओं का संरक्षण नियम 2005 की किस धारा के अधीन अपील के बारे में प्रावधान करता है, तो धारा 29 जो है प्रावधान करता है। अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 कब से प्रभावशाली हुआ था, तो ये 30 जनवरी 1990 से प्रभावी हुआ था, ठीक है। एक मिनट, हाँ ठीक है, 1990 से बना था, 89 में 90 से जो है प्रभावशाली हुआ। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति विधिवत गठित समिति के अनुशंसा पर किसके द्वारा किया जाता है, तो बोला यहाँ पर सीधे सीधे राज्य बोला है, तो इसका याद रखिए आप, जो है राज्यपाल करेगा, ठीक है, अदरवाइज फिर राष्ट्रपति करता। भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार, गवर्नर जनरल को, अच्छा ठीक है, पुराना समय में पूछ रहा, हमको अभी का याद आ गया। हालांकि अभी जो अध्यादेश जारी करता है ये राष्ट्रपति करता है 123 अनुच्छेद के तहत, और ये गवर्नर जनरल के बारे में पूछ रहा है कि उनको अध्यादेश जारी करने का अधिकार जो है कब से मिला, तो 1861 से मिला, ठीक है, 1861, अरे 1858 में कंपनी का जो है नियंत्रण समाप्त कर करके 1 नवंबर को उठा करके ये लागू कर दिया गया कि भारत का वायसराय बना दिया गया और पूरा पावर दे देगा, तो 1861 में इसके बाद भारत परिषद अधिनियम आया, उसी में हुआ कि अध्यादेश जारी करके कोई भी कानून बना सकता है। प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना किस अधिनियम द्वारा किया गया, तो 1919 के अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन आया, और 1935 के अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैत शासन आ गया। भारत में हाई कमिश्नर के पद पर नियुक्त होने वाले प्रथम अधिकारी कौन थे, तो सर विलियम म्योर नाम था उनका, जिन्होंने सबसे पहले हाई कमिश्नर के पद पर नियुक्त हुए, विलियम म्योर, ठीक है। आगे केंद्रीय कार्यकारिणी में संचालित पहले भारतीय विधि सदस्य कौन थे, तो तेज बहादुर सप्रू, ठीक है, तेज बहादुर सप्रू जी केंद्रीय कार्यकारिणी में संचालित पहले भारतीय विधि सदस्य थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और याद रखिए। आगे किसको संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार घोषित किया गया, तो बी एन राव है, ठीक है, बी एन राव याद रखिएगा, बी एन राव, ओके। आगे भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी जाती है, अरे यही तो थी लॉर्ड माउंटबेटन योजना, क्या थी, लॉर्ड माउंटबेटन योजना, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आगे देखिए 1947 में आई थी। आगे है भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है, तो प्रस्तावना को जो है संविधान की आत्मा कहा जाता है, प्रस्तावना कही है, उद्देशिका कही, बात एक ही है। कई लोगों ने जो है जैसे आपको अनुच्छेद 32 को आत्मा कहा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने, ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है उसको कहा, तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग चीज़ें उन्हें कहा है। बाकी है संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ, तो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, और इसी दिन जो उपाध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को। आगे है संविधान, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है, सबसे ज़्यादा चीज़ें कहाँ से ली गई हैं, तो लगभग 2/3 चीज़ें, ठीक है, लगभग बोल रहा हूँ मैं, तो 1935 के शासन अधिनियम से लिया गया है। सामाजिक राजनीतिक तथा आर्थिक न्याय की व्यवस्था संविधान के किस भाग में किया गया है, तो ये सब दिया गया है मौलिक अधिकार में, और मौलिक अधिकार जो है दोस्तों ये संविधान के भाग 3 में बताया गया है। अनुच्छेद जो है वो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया, और मौलिक अधिकारों को लिया कहा गया है, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। दोस्तों एक क्वेश्चन एक होता है, लेकिन उसमें जब आप बांटोगे तो बहुत सारा क्वेश्चन निकल जाता है। भारत संविधान में
संशोधन की प्रक्रिया पर किसका प्रभाव दिखता है, तो सीधे सीधे ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है यानी अनुच्छेद 368, ठीक है, ये कहाँ से लिया गया, तो ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, ठीक है। गणतंत्र की स्थापना की प्रेरणा किस देश से प्रेरित होकर लिया गया, तो फ्रांस से लिया गया गणतंत्र, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे, संघात्मक व्यवस्था का कौन सा लक्षण भारतीय संविधान में नहीं है, तो दोहरी नागरिकता नहीं है, बाकी संघात्मक व्यवस्था का पूरा लक्षण भारत में मिलता है, ठीक है। तो दोहरी नागरिकता नहीं, भारत में एकहरी नागरिकता है, जबकि अमेरिका वगैरह उठा के देखोगे तो वहां पर दोहरी नागरिकता मिलती है। एकहरी नागरिकता का जो कांसेप्ट है हम लोगों ने कहां से लिया है, तो इंग्लैंड से लिया है, कहां से, इंग्लैंड से। आगे, भारतीय संसद ने किस वर्ष भारतीय नागरिकता अधिनियम बनाया, तो 1955 में बनाया था भारतीय नागरिकता अधिनियम, और मुझे जो पता है 6 से 11, 5-6, हाँ ठीक है, 6 से 11 तक नागरिकता के बारे में बताया गया है, ठीक है। आगे, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना कब हुई थी, तो 1985 में हुई थी 2 अक्टूबर के दिन, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण। एक ही समय यदि राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति दोनों पद से रिक्त हो जाएं, तो राष्ट्रपति के कृत्यों का यानी उनके कार्यों का निर्वहन कौन करता है, तो जो भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है। मान लो ये भी नहीं है तब कौन करेगा, तो सर्वोच्च न्यायालय का जो वरिष्ठ न्यायाधीश होगा, उम्र में सबसे बड़ा होगा, वही करेगा। भाषाई राज्यों की अवधारणा का पृष्ठांकन किया था तो नेहरू रिपोर्ट में सबसे पहले भाषाई राज्यों के बारे में बताया गया था, और भाषा के आधार पर सबसे पहले कौन सा राज्य गठित किया गया, तो आंध्रा को गठित किया गया था, आंध्र प्रदेश को। कौन सी परिषद अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु बनाई गई है, तो राष्ट्रीय एकता परिषद बनाई गई है अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु। आगे, नए केंद्रीय मंत्रालय या विभाग का निर्माण प्रधानमंत्री की सलाह पर कौन करता है, तो प्रधानमंत्री सलाह देता है और राष्ट्रपति जो है इस चीज़ को करने के लिए एलिजिबल है। बाकी ये केंद्र राज्य वित्त संबंध का निर्धारण कौन करता है, तो वित्त आयोग करता है, वित्त आयोग के बारे में बताया गया अनुच्छेद 280 में, ठीक है, केंद्र राज्य वित्त संबंध, ठीक है, इनके बीच में वित्त का बंटवारा करना। आगे, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना किस वर्ष किया गया, तो ये किया गया था 1993, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पिछड़ा वर्ग मतलब ओबीसी आयोग की बात कर रहा है। आगे, किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन की घोषणा की गई, तो इनके बाप का घर था और इंदिरा गांधी ने काम किया था। अच्छा, एक मूवी भी आई थी इसके लिए दोस्तों, इंदू सरकार, उसको अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा, ठीक है। आगे, संसद या विधानमंडल के निर्वाचन के संबंध में विधि बनाने की शक्ति किसके पास है, ठीक है, तो इन सभी से संबंधित जो विधि बनाने की शक्ति उस संसद के पास है, संसद, ठीक है। आपातकाल में संविधान की संघीय प्रकृति कैसी हो जाती है, तो आपातकाल में जो संघीय प्रकृति है वो पूरी तरह से निलंबित कर जाती है, कर दी जाती है जब तक कि आपातकाल लगा। और आपातकाल के बारे में बताएं तो 3 तरह का आपातकाल होता है, एक अनुच्छेद 352 में बताया गया है जो कि राष्ट्रीय आपातकाल है, उसके बाद जो है संवैधानिक तंत्र की विफलता के बारे में बताया गया है ये 356 में, और 360 में आपके वित्तीय आपातकाल के बारे में बताया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द का संशोधन कब लाया गया, तो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, और इसको भी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, लघु संविधान की दर्जा दिया जाता है, क्योंकि बहुत बड़ा चेंजिंग यहाँ पर आया था। और हुआ कब था, तो 1976 में हुआ था, ठीक है, 1976 में संशोधन हुआ था। नेहरू प्लानिंग कमेटी का गठन किसने किया था, तो जवाहरलाल नेहरू किया था, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने। भारत में सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि को हुआ है, तो पहले वाला जो सर्वोच्च न्यायालय था ये तो आपका बना था कलकत्ता में, बाद में जो सर्वोच्च न्यायालय अभी जहाँ पर है, तो इसका उद्घाटन हुआ 28 जनवरी 1950 को। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम यानी EPA, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, EPA को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो छाता विधान बोला जाता है या अम्ब्रेला रेगुलेशन बोला जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ देता है आपसे एग्जाम में, तो लोग यही नहीं बता पाते यार छाता विधान, लगते हैं गलत क्वेश्चन तो नहीं आ गया, याद रखिए छाता विधान, विधान नहीं होगा, यहाँ पे बिंदी नहीं रहेगी, छाता विधान मतलब क्या है या अम्ब्रेला रेगुलेशन क्या है, रिवॉल्यूशन होता है, रेगुलेशन नहीं, रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो ये आपका पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम EPA को कहा जाता है। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है मानवाधिकार दिवस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे है, ICCPR के अनुच्छेद, किस अनुच्छेद के द्वारा बाल अधिकार को सुरक्षित किया गया है, तो अनुच्छेद जो है 24 के माध्यम से किया गया है, मौलिक अधिकार में आते हैं सब। आगे है, भारतीय संविधान को अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है, तो 17 में बताया गया अस्पृश्यता से उन्मूलन के बारे में बताया गया है, और अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत, ठीक है, ये सब पढ़िए, आप नहीं पढ़े हैं तो पढ़िए। आगे है, सिविल
अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, नागरिकता भी इसी समय आई थी। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अधीन सभी अपराध कारावास तथा जुर्माना से दंडनीय है। किसी भी तरह का अपराध होगा तो उसके लिए कारावास, ठीक है, यानी आपको जेल की सज़ा और जुर्माना, ये दोनों लगेगा, ठीक है, या जो भी जज आपके डिसाइड करेंगे। आगे है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अनुसार कौन राष्ट्रीय आयोग का अध्यक्ष हो सकता है, तो केवल वही व्यक्ति हो सकता है जो कि भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश रहा हो, ठीक है, केवल वही हो सकता है, ठीक है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम का जो राष्ट्रीय आयोग का अध्यक्ष होगा। आगे है राज्य के नीति निदेशक तत्व, मतलब बात कर रहा है भाग चार की बात कर रहा है, मतलब 36 से 51 अनुच्छेद की बात कर रहा है। कह रहा है इन सिद्धांतों का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बारे में बताता है, तो अनुच्छेद 51 में बताया गया अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। राज्य के क्षेत्र और सीमा में परिवर्तन का अंतिम अधिकार किसके पास है, तो परिसीमन आयोग का पूरा काम मिलता है इसको, संसद के पास है। किस राज्य के प्रधान को प्रारंभ में सदर ऐसे करके ए लिखिए, ऐसे लिखिए रियासत, गजब गजब लोग टाइपिंग भी करते हैं यार, सदर रियासत तो रे उठा के यहाँ डाल दिया, चलो सदर ए रियासत कहा जाता है, तो जम्मू कश्मीर को कहा जाता है सदर ए रियासत। अलग से इसके लिए जो स्पेशल प्रावधान किया गया 370 में, 371 में भी बहुत सारे पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में बताया गया। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है स्थानीय स्वशासन का जनक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसी तरह दोस्तों पॉलिटी का एक सेगमेंट हमारा खत्म होता है, समाप्त होता है, और अगला भागीय मत और परेशान भी मत हुई है स्टडी 91, जब तक आप एकदम थक नहीं जाओगे तब तक यहाँ पढ़ाया जाता है। आ जाओ फटाफट इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन कर लेते हैं, और याद रखिएगा 7वां अध्याय आपका चल रहा है, और एक काम तो जरूर करेगा कि अगर आपके चैनल पर किसी भी तरह का एडवर्टीजमेंट आता है तो आप उसको स्किप मत करिएगा। आइए क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा 10 वर्षीय जन योजना कब प्रस्तुत किया गया, तो 1944 में बनाया गया था, हालांकि योजना बहुत अच्छी नहीं रही, फेल हो गई थी, क्योंकि देश आज़ाद था नहीं, तो ऐसे में आप 10 वर्षीय बना लो, 15 वर्षीय बनवा लो, 5 वर्षीय बना लो, कोई फर्क थोड़े पड़ता है। तो 1947 में जब आज़ादी मिल गया उसके बाद जो है पंचवर्षीय योजना का काम शुरू होता 1951 से, ठीक है, तब जाके थोड़ा सा माहौल ठीक बना। गांधी जी के आर्थिक दर्शन पर आधारित गांधीवादी योजना कब प्रस्तुत किया गया, तो ये भी अप्रैल 1944 में आया था। गांधीवादी योजना का सृजन किसने किया था, तो मन्ना रायण ने गांधीवादी योजना का सृजन किया था। दोस्तों कुछ मैं टफ क्वेश्चन पे जा रहा हूँ, मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि थोड़ा सा लेवल अप बढ़ाऊंगा, 6-7 सीरीज कर लिए, अब बार बार पुराने क्वेश्चन पूछूंगा तो नहीं मजा आएगा ना यार, तो थोड़ा सा अच्छा एक फायदा आपका भी है, अगर आप पढ़े रहोगे एग्जाम में आएगा, ठीक है, तो आप कर नहीं ले जाओगे, और खाली सुबह सुबह आप उठकर ये सीरीज़ देख लिया करोगे ना, कसम से आप देखते चलो, एग्ज़ाम दोगे तो खुद ही आपको पता चलेगा सर कितना इंपॉर्टेंट है। आगे बता रहा है कि स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति कब आई थी, तो सबसे पहले 1948 में पहली जो थी भारत की औद्योगिक नीति आई, पहली जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी वो 1948 में। औद्योगिक विकास नियमन अधिनियम कब पारित किया गया, जिसका उद्देश्य उद्योगों का नियोजित विकास एवं नियमन करना था, तो ये वाला आया था 1951 में, ठीक है, 1951 में। आगे है अहिंसात्मक ढंग से शोषण विहीन समाज की स्थापना के मुख्य उद्देश्य वाली सर्वोदय योजना का प्रकाशन कब होता है, तो 30 जनवरी 1950 को हुआ था, सर्वोदय योजना आया था, ठीक है। आगे है सर्वोदय योजना कौन विकसित किया था, तो जयप्रकाश नारायण जी ने किया था, जयप्रकाश नारायण। आगे कोलंबो योजना की अवधि क्या थी, तो 1951 से 57 तक चली थी कोलंबो योजना, ये सब पढ़िए उठाकर, ठीक है, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है। आगे है योजना आयोग किस तरह की संस्था है, तो ये एक तरह की अर्ध संवैधानिक संस्था है, क्यों, क्योंकि संविधान में इसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है, तो ये अनुच्छेद स्पेशल नहीं है योजना के लिए। हाँ ये है कि अर्ध संवैधानिक है, मतलब ये लीगल है, अब तो योजना आयोग समाप्त भी हो गया और उसकी जगह पर नीति आयोग आ चुका है, ठीक है, नीति आयोग। आगे देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था, ये आपको बताना है, तो डोमर, हेराल्ड डोमर, पूरा नाम क्या था, हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथम पंचवर्षीय योजना की टाइम पीरियड क्या थी, तो 51 से 55 तक चला था, 56 तक, ठीक है। द्वितीय का क्या था, तो 56 से 61 तक चला द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ये दोनों पंचवर्षीय योजना में हेड कौन थे, प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तो जवाहरलाल नेहरू दोनों में थे। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर थी, तो पीसी मोहनवाली मॉडल पर थी, ये महान अर्थशास्त्री थे, ठीक है, और इनके नाम पर जो है बहुत सारा काम भी हुआ है, और पहला जो बनाया गया था स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है, जिसको आप CSO बोलते हो, सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन, उसके हेड भी यही थे। आगे है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कौन कौन से इस्पात संयंत्रों की स्थापना किया गया, तो राउरकेला की स्थापना किया गया, उड़ीसा में है, और राउरकेला का जो वो लगा ये जर्मनी के सहयोग से लगा था, ठीक है, जर्मनी। भिलाई दोस्तों, भिलाई जो था, भिलाई जो है छत्तीसगढ़ में है, और भिलाई और बोकारो
ये दोनों के दोनों जो है रूस, सोवियत संघ रूस के सहयोग से लगाए गए थे। दुर्गापुर वाला प्लांट जो है ये पश्चिम बंगाल में है और ये ब्रिटेन के सहयोग से लगाया गया था। तो तीनों में आपसे पूछता है, राउरकेला जर्मनी, भिलाई और बोकारो दोनों याद रखिए, आपका रूस हो जाएगा, दुर्गापुर आपका क्या हो जाएगा, ब्रिटेन। आगे है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री तथा चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स की स्थापना किस योजना के दौरान हुआ था, ठीक है, तो ये हुआ था द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। और आज अगर इस तरह का हमको कोई उद्घाटन करना पड़ता है तो हमको कितना सोचना पड़ता है। तब के ज़माने में जब हमारे पास कुछ भी नहीं था, हम फाइनेंशली मजबूत भी नहीं थे, हम बहुत पीछे थे, उस ज़माने में जो है बताइए इस तरह की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ बन गई जो आज जो है नाम करती हमारे देश का, लेकिन आज भी हम लोगों को इस पर काम करना चाहिए। तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री याद रखिए और चितरंजन लोकोमोटिव याद रखिए, ये दोनों जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बनाई गई थी। करा तीसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक रही, तो 61 से 66 तक रही, और इसी में थे लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री, हालांकि बड़े बड़े युद्ध भी यहां लड़े गए, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए तीसरी पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या था, तो इसमें थोड़ा सा हमारा उद्देश्य बदलता है, कह रहा है अर्थव्यवस्था को स्वावलंबी एवं स्वस्फूर्त बनाना, ठीक है, यानी लोग क्या हो, लोग आत्मनिर्भर हो, ये कई बात को अलग अलग तरीके से बोलने का एक वे होता है, ठीक है, कहाँ चला गया, ठीक है, यहाँ पे आगे बता रहा किस पंचवर्षीय योजना की विफलता के कारण, किस पंचवर्षीय योजना की विफलता के कारण 3 वर्ष तक योजना अवकाश रहा, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना जो फेल्योर हो गई थी, फेल्योर का थोड़ा सा निगेटिव आ गई थी, आप देखो दो दो युद्ध, 1962 में एक युद्ध लड़ा गया, एक जो है 65 में चाइना का सद युद्ध हो गया, तो बताओ ऐसे में क्या होगा, ऐसे में प्रॉब्लम तो होगा ना। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में अब एक ब्रेक चाहिए था और पूरी प्री प्लानिंग बनानी थी, इस वजह से जो है यहाँ पर योजना अवकाश होता है, वो भी 3 साल का होता है, एक एक वर्ष का। अच्छा वही बता रहा आपसे, वार्षिक योजनाएं कब लागू की गई, तो 1966 से 67 एक्ट हो गई, 67 से 68 आपकी दूसरी हो गई और 68 से आपका 69 तीसरी हो गई, ठीक है, तो ये 3 वर्ष तक जो एक एक वर्ष की वार्षिक योजनाएं चली थी। आगे किस पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति का आरंभ हुआ, तो ये किसी भी योजना के दौरान नहीं हुआ था, जो वार्षिक योजना चली थी 1966 से 67 वाली, ठीक है, इसी में जो है हरित क्रांति जो है आई थी, और कौन लाया था, तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, किसने, डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन ने इस चीज का जो है शुरुआत किया था भारत में। और वर्ल्ड लेवल बात करेंगे हरित क्रांति के बारे में, तो नॉर्मन बोरलॉग एक अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक है, उन्होंने शुरू किया था, तो वही आपसे बता रहा है, यहां बता भी दिया मैंने। आगे चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, तो 1969 से 74 तक था, और 19 वही पीरियड था जब 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, जब इसरो की स्थापना हुई थी, ठीक है, ये सब याद रखिए, 1969 से 74 तक चली। करा चतुर्थ पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर थी, तो ये ओपन कंसिस्टेंसी मॉडल इसको बोलते थे, ठीक है। आगे ओपन कंसिस्टेंसी मॉडल किसने तैयार किया था, तो अशोक रुद्र और एलन यस मात्रे ने तैयार किया था, अशोक रुद्र और एलन यस मात्रे। चौथी पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था, तो स्थिरता के साथ आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, ये जो है चौथी योजना का प्रमुख उद्देश्य था। तो अगले वाले में देखेंगे दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन, अगले सेगमेंट में हम लोग जो है 5वीं से आगे बढ़ेंगे योजना को लेकर के, ताकि और भी जो क्वेश्चन है वो भी आपके कंप्लीट हो जाए। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो सीरीज आपको काफ़ी पसंद आ रही होगी, देखो पसंद आनी भी चाहिए, और अगर आपके पढ़ने या पढ़ाने का तरीका हम लोगों का मेल खाएगा तो आप बहुत बेहतर प्रयास कर पाओगे। जो लोग नए हैं, ठीक है, और पहली बार चैनल से जुड़े हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप जो है किस तरह से चैनल, देखो क्या क्या करो, जब आप स्टडी 91 सर्च करोगे, ध्यान से सुनना हमारी बात, जब आप स्टडी 91 सर्च करेंगे यूट्यूब पर, आप खाली 91 भी सर्च कर सकते हैं तो भी मैं आपको मुलाकात मिल जाएगा स्टडी 91, तो जो आपका लोगो आता है पहले नंबर पर ना, उस लोगो पर क्लिक किया करिए, ये बगल में सब्सक्राइब होता है, सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाया करिए, उससे क्या होगा आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे और आपको जो है वीडियोस मिलते रहेंगे। बट नोटिफिकेशन जो आपके नंबर पे आता है वो तभी आएगा जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे, तो वहाँ प्रेस करने के बाद ऊपर देखेंगे आप, तो ऊपर आपको 3-4 ऑप्शन मिलेंगे, पहला मिलता है होम का, ठीक है, दूसरा मिलता है आपको वीडियोस का, और तीसरा ऑप्शन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्लेलिस्ट का, आपको यहीं पे आना है, क्योंकि जो कुछ भी आपको पढ़ना है प्लेलिस्ट से आके पढ़िए, प्लेलिस्ट हमारी बहुत लंबी है, करीब 20-22 फोल्डर यहाँ पे हैं, तो जो कुछ भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो प्लेलिस्ट में आकर ही पढ़ाई करेंगे आप, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा, नहीं तो फिर क्या होगा, आपको समझ नहीं आएगा, दिक्कत होगा। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी, बायोलॉजी, पॉलिटी, जो कुछ भी आपको पढ़ना है वो आप प्लेलिस्ट में आ जाओ और फिर यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करो, ठीक है। तो अच्छा लगा होगा वीडियो, तो प्लीज़ दोस्तों शेयर जरूर से करिएगा, ताकि हमारे और भी जो भाई बंधु हैं जो नहीं देख पा रहे उनके तक ये वीडियो पहुंच पाए, ताकि लोग इसको देखें और अपने ज्ञान को बढ़ाएं, ओके। और अगर कोई भी एडवर्टीजमेंट आता है तो प्लीज़ आप उसको स्किप मत करिएगा, उसको पूरा देखिएगा, ठीक है, थैंक यू सो मच।